हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट 28 जनवरी 2023 को पूछे गए प्रश्नों के मैथ्स के प्रश्नों के हल करेंगे यहाँ पे। तो एक साथ देखते हैं कि 28 जनवरी 2023 को कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके आंसर्स क्या होंगे और हल करेंगे यहाँ पे मैथ्स के। ठीक है, तो आपका 28 जनवरी का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 31 था, क्या था, 31वें नंबर का प्रश्न था 28 जनवरी को। यह गया था कि एक चार अंकों की संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का एक तिहाई है। अब यहाँ पे देखिए, चार अंकों की संख्या, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक, ये चार अंकों की संख्या है। कह रहा है कि पहला अंक जो है बच्चों वो दूसरे अंक का तिहाई है, यानी कि अगर दूसरे पे 3 है तो पहले पर 1 होगा, अगर दूसरे पे 6 है तो पहले पे 2 होगा, एक तिहाई मतलब बटे 3 होगा। ठीक है, ये कह रहा है। अगर मान लीजिए दूसरे पे 9 है तो पहले पे 3 होगा, अगर दूसरे पे 12 तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाली संख्याएं होंगी। ठीक है, पहला दूसरे का एक तिहाई है, अगर दूसरे पे 3 है तो पहले पे 1। अब विकल्प में देख लीजिए क्या ऐसा कुछ संख्या दिखा रही है, 2 और 6। जी हाँ, 2 और 6 हो सकता है, क्योंकि 6 का बच्चों 6 का तिहाई 2 होता है, नो डाउट ये होता है। 1 और 5 तो होगा नहीं, इसको खत्म कर देते हैं। 1 और 3 भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि 3 का एक तिहाई 1 होता है, बिल्कुल सही। और 1, 2 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे या तो आपका 1, 3 होगा या फिर आपके 2, 6 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक के योगफल के बराबर, वाह वाह वाह। तो अगर इनका हम योगफल करें तो 4 होगा, इनका योगफल करें तो 8 होगा। देख लीजिए कौन सा है बच्चों, ये हो गया 3, 1, 4, दोनों में भी ये समानताएं नजर आ रही हैं। फिर अगले पॉइंट को देखेंगे, जबकि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, अंतिम जो अंक है वो दूसरे अंक का 3 गुना है, अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना 9, इसका 3 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 1, 3, 4, 9 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1, 3, 4, 9 यहाँ पे दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल दिया गया है, आपका विकल्प नंबर 3 ये हो जाएगा सही जवाब। ओके, इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न यहाँ पे हल कर लिया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है आपको कि एक नंबर दी गई है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में कुछ करना नहीं होता है, आसानी से हम इसको मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले विकल्प को अगर आप देखेंगे तो 22.2 मतलब 22 रुपये 20 पैसे और 22 रुपये 28 पैसे यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम है, लेकिन 23 रुपये ये भी बढ़ता हुआ क्रम है। चलिए 23 रुपये 18 पैसा और 23 रुपये 10 पैसा यहाँ पे अंतर हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो पहला विकल्प नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट बच्चों में बढ़ते हुए क्रम में चलना है, करेक्ट। तो 23 रुपये 10 पैसे 23 रुपये 18 पैसे ये गलत हो गया, हमें बढ़ते हुए क्रम में जाना था, 23 के बाद 22 आएगा नहीं, 22 रुपये 28 पैसे बाई गलत हो गया, 22, 28 के बाद 22, 20 ये गलत हो गया। मतलब आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प नंबर 4। ओके, विकल्प नंबर 4 देख लीजिए, 22 रुपये 20 पैसे 22 रुपये 28 पैसे 23 रुपये 10 पैसे 23 रुपये 28, ये बिल्कुल बढ़ता हुआ क्रम है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों, नेक्स्ट अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर, वाह वाह क्या आसान सा मस्त सवाल पूछ लिया। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, हम सबको पता है 6 अंकों की 6, 9, 6 बार लिख लीजिए, 9 हमने 6 बार लिख लिया, और कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या भैया, ये हमने 5 अंकों की, इसको अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 9, 9, 9 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 9, 8, 9, 9, 9, ये विकल्प कहाँ है बच्चों, 9, 8, 9, 9, 9, ये तो नहीं होगा, 9 ये भी नहीं होगा, 9, 8, 9, 9, 9, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रश्नों को हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न कौन सा बच्चों, तो यहाँ पे सही जवाब क्या था, तीसरा विकल्प नंबर सही था, बच्चों ने बिल्कुल सही भी दिया था। चलिए अगला प्रश्न करें, हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 42 एंड 62, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका सवाल क्या होता है। देखिए जब भी किसी दो संख्याओं के बीच के, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं चलो आपको यही बता देता हूँ, 42 और 62 के बीच में आपको होल नंबर निकालना है, तो आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो बड़ा अंक होता है ना 62, तो 62 माइनस 42, ये माइनस कर दीजिए और जितना आएगा उसमें से -1 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम करेंगे बच्चों तो 62 माइनस 42 इज इक्वल्स टू 20, और जितना आता है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं मतलब 19,
इनके बीच में 19 होंगे। कितने होल नंबर्स होंगे बच्चों? 19 होल नंबर्स होंगे। इसको समझना है तो आइए मैं एक बार आप इसको समझा देता हूँ कि होल नंबर निकालते कैसे। मैं आपसे कह दूं कि जीरो से लेके 11 के बीच में कितने पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 10 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होंगे। आपको निकालना कैसे है, 11 में से अगर आप 0 को माइनस करेंगे तो 11 होगा, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से एक और माइनस कर दीजिएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 11 में से एक गया 10। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने के बाद उसमें से एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होल नंबर्स निकल जाता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 25 और 55 के बीच में कितनी होल नंबर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, 55 माइनस 25, ठीक है, जितना प्राप्त होगा बच्चों उसमें से आप एक और माइनस कर देंगे, तो इतने होल नंबर्स निकलते हैं, ठीक है। चलिए समझ आ गए। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें लार्जेस्ट फ्रिक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन बताइए कौन कौन सा है, बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न कौन कौन सा है। चलिए देखिए नंबर्स क्या दिए, नंबर्स दिए आपके 7/10, अच्छा अगला क्या दिया है, 4/9, अगला क्या दिया है, 2/15, अगला क्या दिया बच्चों, 3/5, अगला क्या दिया है, 2/3। इसमें सबसे बड़ा निकालना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 10, 15 और 5 थोड़ा सा मिलता जुलता है, हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, 7/10, 2/15 और 3/5 इसको एक साथ लिख लेते हैं, और 4/9 और 2/3 को एक साथ लिख लेते हैं। चलिए कोई समस्या, कोई समस्या। अब इन तीनों का एलसीएम 30 होगा, ठीक है, तो इसको 30 हम बना सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 30 में, मतलब इसको हम नीचे अगर हम 30 करें, 3 से नीचे गुणा कर दिए, 3 से ऊपर गुणा कर दिए, यहाँ पे 30 बनाने के लिए हमने 2 से नीचे गुणा कर दिया और 2 से ऊपर गुणा कर दिया, यहाँ पे 30 बनाने के लिए हमने 6 से नीचे गुणा कर दिया और 6 से ऊपर गुणा कर दिया, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, 9 ही होगा, ठीक है। तो ये तो 4/9 ऐसे ही है, और इसको हम 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे एक संख्या से गुणा कर देंगे, 3 से ऊपर गुणा कर दिए, 3 से नीचे गुणा कर दिए, इस प्रकार हमने कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, जब ये समान है तो वह संख्या बड़ी होगी। हम निकाल लेते हैं पहले कौन सा, अब ये लार्जेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट, अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो नीचे जब समान है तो ऊपर सबसे जो बड़ा होगा वो लार्जेस्ट होगा, यानी कि 21/30, यानी कि ये बड़ा है, यानी कि 7/10, तो हमारा 7/10 ये हमारा इसमें बड़ा हो गया। इसमें कौन सा बड़ा होगा, इसमें 6/9, ठीक है, क्योंकि जब नीचे 3 3 9 3 6, जब नीचे समान है तो ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा होता है, तो ये हो गया 6/9। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 9 63, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, यानी कि ये बड़ा है। सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो गया, लार्जेस्ट हमारा हो गया बच्चों 7/10 लार्जेस्ट हो गया, ठीक। इसी प्रकार से स्मॉलेस्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है बेटा, 4/30, यानी कि 4/30 यहाँ पे 2/15, ठीक है, 2/15 हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा है, तो 2/स्मॉलेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2/15 यहाँ पे सबसे छोटा है, ओके। और इसमें छोटा कौन सा था, इसमें छोटा था 4/9, इसमें छोटा था हमारा 4/9, तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो इसमें भी छोटा 2/15, यानी कि बड़ा 7/10 होगा और छोटा 2/15 होगा, तो बड़ा 7/10 और छोटा 2/15 कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर 1 सही, ओके। कोई समस्या, कोई समस्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, मजा आ रहा है मुझे भी, देखो मुझे मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता है। आपका कब एग्जाम था, कौन सा पेपर था, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न देख लें, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको जरा समझिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है बच्चों कि रमेश के पास एक आयतकार कागज का टुकड़ा खाली समय पे रमेश ने क्या किया कि उसको एक कोने पे मोड़ दिया, तो उसने देखा कागज के अब 5 कोने हो गए, उसने बाकी के 3 कोनों को भी मोड़ दिया, तो अब कागज के कितने कोने होंगे। ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए कि एक रमेश के पास ये एक आयतकार कागज का टुकड़ा था, ठीक है। अब रमेश ने क्या किया बच्चों, रमेश ने किया ये कि खाली समय में रमेश ने एक कोने को मोड़ दिया, तो यहाँ पे उसने मोड़ दिया। अब जब उसने मोड़ा तो देखा कि अब इसके 5 कोने हो गए, कितने, 1 कोने 2 कोने 3 कोने 4 कोने 5 कोने हो गए, ठीक है। फिर रमेश ने क्या किया, बाकी के और कोनों को भी मोड़ दिया, मतलब ये वाला कोना भी मोड़ दिया और ये वाला कोना भी मोड़ दिया और ये वाला कोना भी मोड़, तो टोटल अब कितने उसके पास कोने बचे। तो अगर आप टोटल कोने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो 2 कोने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने कोने हो गए बच्चों, टोटल उसके 8 कोने हो गए। कितना अच्छा प्रश्न था, विकल्प नंबर 2 बच्चे ने भी बहुत सही किया, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आया था, ठीक है। अब आइए यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, एक मिठाई की दुकान में 1 किलो बेसन के लड्डू में एक डिब्बे में 25 लड्डू, अच्छा मतलब 25 लड्डू मिलके 1 किलो हो जाते हैं, अच्छा। रेखा जो है
रेखा लड्डू के 4 डिब्बे खरीदना चाहती हैं, परंतु उसमें एक डिब्बे में केवल 20 लड्डू लेने हैं। एक डब्बे में 20 लड्डू और टोटल 4 डब्बे। तो दुकानदार ने ऐसे डब्बे बनाकर उसको दे दिए। अब इन 4 डिब्बों का भार कितना होगा बताइए। यहाँ पे कह रहा है बच्चों आपको 4 डब्बे के भार निकालने हैं ना, तो आप देखिए 25 लड्डू मिलके 1 किलो हो जाते हैं। मतलब 25 लड्डू का भार कितना है बच्चों, 1000 ग्राम है। चलिए ये हमारे पास 1000 ग्राम है, तो एक लड्डू का भार कितना होगा बच्चों, एक लड्डू का भार हो जाएगा, एक लड्डू का वजन जो हो जाएगा, वेट हो जाएगा, तो 25 चौका 100, मतलब एक लड्डू का भार हमारा कितना है बच्चों, 40 ग्राम। ठीक है, एक लड्डू का भार 40 ग्राम है। अब कह रहा है कि कौन थी, रेखा जी। हाँ, तो रेखा जी को टोटल 4 डब्बे चाहिए और एक डब्बे में 20 लड्डू और एक लड्डू का भार 40 ग्राम। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 8 और 8 4 32 00, 32 00, 32,000 ग्राम, मतलब 3 kg 200 ग्राम, 200 ग्राम, यही तो हुआ। तो देखिए 3 kg 200 ग्राम कहाँ विकल्प में दिया है, ये हमें दिया है 3 kg 200 ग्राम। कोई समस्या नहीं, ऐसे ही लड्डू आप भी खाइए और अच्छे से इंजॉय करिए। चलिए अगला सवाल देख लेते। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि फॉलोइंग टेबल दिया है, इसमें एक्स और वाई कॉलम में ऑब्जेक्ट्स हैं और वाई उसमें यूनिट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है और ये यूनिट है, इसको मिलान करना है। चलिए बहुत अच्छा, हम मिलान कर लेंगे। पहला हमारा क्या है बच्चों, पहला है हमारा लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे दिल्ली आगरा, सॉरी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे क्या किस कैसे नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे ना, मीटर में तो नापते रह जाएंगे। तो एक्सप्रेसवे को हमेशा किस में नापते हैं बच्चों, किलोमीटर में। तो पहले का डी, पहला डी कहाँ पे है, इन दोनों में है। ठीक है, इन दोनों में है। चलिए अगला है बच्चों डायमेंशन ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, क्लासरूम का डायमेंशन सेंटीमीटर में निकालेंगे नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर में तो हम पेपर्स या इसके निकालते हैं ना, तो क्लासरूम का डायमेंशन हम मीटर में निकालेंगे, यानी कि दूसरे का सी, बी सी, बी सी, यानी कि चौथा नंबर विकल्प आपका सही होगा, ये वाला जवाब बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते, अगला प्रश्न देख लेते, ऐसे ही कर लेंगे ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे मैथ के सवाल हल करने में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते, ये रहा अगला प्रश्न क्या है बच्चों। अच्छा चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे बच्चों अगले प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो अगला प्रश्न में कह रहा है कि कैलेंडर के वर्षों की उन महीनों जिनका संख्याएं 2 और 5 से विभाजित की जाती है। अच्छा, 2 और 5, तो कैलेंडर में जो भी 30 दिन का महीना होगा ना, वही 2 और 5 से विभाजित होंगे, 31 तो होता नहीं है। तो देखिए 30 दिन के कौन कौन से महीने होते हैं, 31 वाला नहीं होगा, हमेशा 30 दिन वाला महीना होगा। चलिए विकल्प में देखें, चौथे में देखें तो जनवरी, तो भैया ये होगा नहीं क्योंकि जनवरी 31 का महीना होता है, तो ये नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए बात करें अप्रैल मई जून, तो मई, यहाँ पे मई जो होता है मई, वो भी 31 का होता है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अगला दिसंबर 31 को होता है, ये भी नहीं होगा, मतलब विकल्प नंबर 1 सही है, अप्रैल जून और सितंबर और नवंबर जो विकल्प नंबर 1 है वो सही है। ओके, बड़ा अच्छा प्रश्न आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, हाउ मेनी एंगल्स आर इन लेटर अमन। अच्छा अमन, अमन या अमन, एक बार अमन कर लेते हैं, तो अमन में कितने यहाँ पे आपके एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब न्यून को, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए हम इसको देखें, यहाँ पे मजा आ जाएगा देखने में। यहाँ पे आप देखिए तो अमन लिखा है, इसमें कितने निम्न, सॉरी न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए, ये आपका ए, ए मतलब ऐसे बनाया है, यहाँ पे है ए एम ए, और ये क्या है बच्चों एन, कितने एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे एंगल देखिएगा, पहला तो ये भी एक एंगल बनता है, एक गिनते जाइए, तो ये बन गया 3 एंगल बन गए, ये देखिए 4 5 6 एंगल बन गए, ये देखिए फिर से 7 8 9 एंगल बन गए, 10 11 कितने एंगल बन गए बच्चों, 11, बस मार दीजिए धड़ाक से 11, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर इन द रेगुलर। अच्छा पेंटागन की बात करें, पतंग बना दे, मतलब आपको इसमें पूछ रहा है कितने सिमेट्री लाइन होते हैं, तो इसमें सिमेट्री लाइन पेंटागन में 5 होते हैं, ये मतलब रटा रटा प्रश्न है, तो 5 इसका सही जवाब हो जाए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओके, अगला प्रश्न आ गया ये वाला, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ दिया इसमें, अच्छा सब अच्छे प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बीना ने सिर पर लगाने के लिए 50 लीटर खरीद ली, ओ तेरी कुछ ज्यादा ही खरीद ली बीना। चलिए कोई बात नहीं, हमें उससे क्या, बीना जी ने 50 लीटर का तेल खरीद लिया,
सर में लगाने के लिए, सर में लगाने के लिए, आर यू श्योर? ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 80 ml की बोतल में भरना है उनको। अच्छा कितनी बोतलें लगेंगी, कितना अच्छा प्रश्न है। 50 लीटर टोटल उन्होंने खरीद, इससे लिख देते हैं साफ दिखेगा, 50 लीटर उन्होंने खरीद लिया है और 80 ml की बोतल में भरना है। तो देख लीजिए ना कि 50 लीटर में कितने 80 ml बनते हैं, तो 50 लीटर में ml करेंगे तो 50 × 1000, ठीक है 1000, ठीक है, मतलब इतने ml है उनके पास तेल, और डब्बा कितने का है 80 ml का, तो कितने होंगे, 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंपलीफाई करते हैं, इतना ज़्यादा समस्या नहीं लेना, 4 × 4 = 8 और 25 × 4 = 100 और 25 × 50 यानी कि 25 × 25 कितना हो गया बच्चे, 625, 625 का ही आंसर है। हाँ बिल्कुल आंसर है भैया, क्यों नहीं आंसर, ये आपका चौथा नंबर आंसर है 625। देखिए देखिए बच्चों, चौथा नंबर आंसर 625, बस 625 डब्बे लगेंगे, ठीक है, तो 625 डब्बे इसके हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक टीचर क्लास 4 की बच्चे के 45 बच्चों से पूछती है कि उनका किस टाइप का मूवी उनको ज़्यादा पसंद है। ओके यहाँ पे देखिए, कक्षा 4 की एक टीचर है जो अपने बच्चों 45 बच्चों से पूछती है उनकी मनपसंद फिल्म शैली किस प्रकार की है, मतलब कितने बच्चों को कैसी मूवी पसंद है। तो 10 बच्चों ने कहा कि मुझे कार्टून पसंद है, 7 बच्चों ने कहा मुझे पारिवारिक पसंद है, 11 बच्चों ने मुझे कहा कॉमेडी पसंद है, और एक बच्चा कह रहा है कि मुझे हॉरर पसंद है, हॉन्टेड 3D, और अच्छा इसमें रोमांटिक वाले भी हैं। चलिए ये चौथी क्लास के बच्चे हैं ना, हाँ चलिए, तो इनको 7 बच्चों को रोमांटिक पसंद है और 9 बच्चे को ड्रामा पसंद है। सवाल क्या है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द वॉच मोस्ट लाइक एंड द लीस्ट लाइक, मोस्ट लाइक सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो सबसे ज़्यादा कॉमेडी पसंद है 11 को, सबसे कम क्या पसंद है, सबसे कम हॉरर पसंद है 1 को, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ये पूछे गए आंकड़ों के तालिका में रिकॉर्ड, अच्छा नीचे दिया गया, इनका अंतर पूछ रहा है, तो 11 - 1 का अंतर कितना होगा बच्चों बताइए, ये कोई प्रश्न था 10 नंबर ऑप्शन नंबर 2, ये क्या था प्रश्न, कुछ प्रश्न नहीं था, ऑप्शन नंबर 2 10 नंबर बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा अब प्रश्न यहाँ पे खत्म होने वाला है, ये हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न ये है कि एक विक्रेता ने खुदरा दुकानदार के माचिस की डिब्बो बेचने के लिए 6 × 4 × 2 cm माप वाली एक माचिस की डिब्बी का ऑर्डर किया, उसको एक कार्टून प्राप्त हुआ जिसमें इतने सेमी थे, उस प्राप्त माचिस की डिब्बियों की संख्या। अच्छा चलिए सही है, अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको इस प्रश्न में क्या दिया, प्रश्न में ये दिया है कि एक बड़ा आपका क्या है बॉक्स है, ठीक है, एक बड़ा आपका क्या है बच्चों बॉक्स है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका बड़ा बॉक्स है, मैंने ऐसे बना दिया कोई बात नहीं, ये इनके पास बड़ा बॉक्स है, इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज है बच्चों 60 × 60 × 60, ये सब सेंटीमीटर में। अब कह रहा है इसके अंदर छोटे छोटे माचिस के डब्बे बैठाने हैं, इसके अंदर हमें छोटे छोटे माचिस के डब्बे बैठाने हैं, और इन माचिसों की डब्बे की कितनी है भैया, इन माचिसों का माप कितना है 6 × 4 × 2, तो टोटल कितने बैठेंगे, ठीक है टोटल कित, एक का माप इतना है तो इतने बड़े में कितने बैठेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए निकल जाएगा, 6 × 4 × 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 × 6 = 60, 4 × 15 = 60 और 2 × 30, यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे कि 10 × 15 × 30 तो आप देखेंगे 15 × 45 और तो ये आपके 4500, ये टोटल डब्बों की संख्या होगी, छोटे वाले डब्बों कितना हो गया, आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4500, ठीक है ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 4500। चलिए बहुत सही, अब ये हमारा नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, मतलब गणित के 15 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे 28 जनवरी 2023 के सीटेट की, ठीक है इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं लास्ट प्रश्न। ओके ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न दे दिया, ये क्या प्रश्न है, कुछ प्रश्न नहीं, ये कह रहा है कि 32, 44 और 56, ये क्या प्रश्न है, ये तो कुछ भी प्रश्न नहीं, ये तो आप कर लेंगे, ये देखिए ये कह रहा है कि 32, 44 और ये कितना है 56, सॉरी इंग्लिश में 32, 44, 56, तो नेक्स्ट क्या होगा ये देखेंगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद 6 होगा, तो चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, यहाँ पे हमने लिख दिया 6, ठीक है चलिए 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, खत्म, 68 हो जाएगा, 68 कहीं दिया है, बहुत सही दिया है, 68 विकल्प नंबर 4 से। तो बच्चों इस प्रकार से आपके 31 से लेके 45 तक के सारे प्रश्नों को यहाँ पे हल कर दिया गया, ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों हमने इस तरह से सॉल्व करा 28 जनवरी को हुए पेपर को, बाकी आपका पेपर कब हुआ था आप मुझे अगर स्क्रीनशॉट भेजते तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे मुझे खुद का मजा आता है, मतलब आई लव मैथ्स, तो आप मुझे भेज सकते हैं मैं उसको सॉल्व करूंगा, बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अगर 28 जनवरी का पेपर था तो अच्छा क्या होगा, जब भी था मुझे बताइए मैं इस प्रकार से सॉल्व करूंगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़, जय हिंद।
सब बखैर नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद जय।